अबे यार कितने ढीले हो तुम लोग, जल्दी चलो हमें पिंकी को घर भी छोड़ना है। अरे मैं तो बोलता हूँ इसे अपने साथ घर पर ले चलो। नहीं नहीं मुझे अपने घर पर जाना है। क्या यार पिंकी तुम हमेशा ही ऐसा करती हो, कभी तो हमारे साथ चलो। चौप ये तू लाइन मारना बंद कर, वैसे भी उसका घर आ गया है। चलो पिंकी। गाइस यार जरा देखो तो सही, ये नैनेको को देख के कितनी खुश हो जाती है, सीधा उसके पास भाग गई। ओ फ्रैंकलिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मुझे बाहर नहीं जाना होता तो मैं तुम्हें ये काम नहीं देती। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास भी तो एक कुत्ता है, मैं समझता हूँ इस बात को, कभी मैं जाऊँ तो तुम चॉप को रख लेना। अरे उसके लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो वैसे भी पिंकी के साथ रहना है। ओ लगता है चॉप को पिंकी पसंद आई। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, यहाँ से अपने घर बहुत ही संभल कर जाना, यहाँ बहुत काटने वाले कुत्ते रहते हैं। क्या काटने वाले कुत्ते, मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी किसी कुत्ते वुत्ते से नहीं डरता। अरे फ्रैंकलिन भैया एक बात बताओ, ये आपके फेंकने की आदत कब जाएगी? अरे चॉप वो तो कभी नहीं जाने वाली, मैं कुछ फेंक वेक नहीं रहा था। एक मिनट गाइस जरा सामने देखो, यहाँ तो सच्ची में बहुत सारे कुत्ते हैं। और अगर नैने को सही बोल रही थी कि ये सब जंगली है तो फिर समझ लो कि अपनी वाट लग गई है, क्योंकि यहाँ एक दो नहीं पूरे डजन भर कुत्ते हैं। शिनशान तू देख रहा है अभी हम लोग क्या करेंगे? अरे कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे घर जाने का बस यही एक रास्ता है। और एक बात बताओ, आप तो वैसे भी कुत्तों से नहीं डरते ना? हाँ नहीं डरता, तुम लोग बस मेरे पीछे पीछे आ जाओ, हम लोग एकदम दबे पैर जाएंगे, जब इनको पता ही नहीं चलेगा तो काटेंगे कैसे। चलो चलो बस क्रॉस करने ही वाले हैं गाइस, एकदम आराम से। अबे नहीं यार ये क्या हो गया, लग गई वाट। फ्रैंकलिन भैया। ओ भाई साहब, गाइस जरा यहाँ तो देखो, ऐसा लग रहा है सब भड़क गए, और ये तो पूरे काटने वाले फॉर्म में। शिनशान अभी हम लोग क्या करेंगे? अरे करना क्या है, यहाँ पर एक ही चीज हो सकती है, जल्दी से भागो, जल्दी घूम जाओ। गाइस यार फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा, भागो भागो भागो, ये तो सारे के सारे अपना पीछा कर रहे हैं। अबे जल्दी आओगे कि इनसे कटवा के मानोगे? अरे मेरे पैर छोटे छोटे हैं, मैं और कितना तेज भागू? मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, बचाओ। चलो मुझे लगता है कि पीछा छूटा। अबे ये क्या, ये लोग तो शॉर्टकट मार के आ रहे हैं। भागो भागो भागो। ओ भाई साहब पैर फिसल गया गाइस, अब तो हम लोग पक्का गए, इस बार ये हमको पक्का नहीं छोड़ेंगे। क्या अबे ये तो भाग गए, ऐसा लग रहा है किसी चीज से डर गए। कुछ है क्या हमारे पीछे? वो वेनम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या हो गया भाई, तेरी तो हालत भी खराब लग रही है, मुझे जल्दी से बता ये सब किसने किया। मैं तुम्हें वही बताने जा रहा। अबे ये क्या, ये तो बोलते बोलते बेहोश हो गया, जरा हालत देखो इसकी, पता नहीं ये सब किसने किया होगा। अब ये कौन हंस रहा है, ये क्या चीज है, किसी पोर्टल जैसा लग रहा है। तुम एकदम सही समझे, ये एक पोर्टल ही है, और मैं हूँ सुप्रीम सिम्बियोट। देखो मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, और एक बात बताओ, क्या वेनम का ये हाल तुमने किया है? बिल्कुल सही समझे, इसका ये हाल करने वाला मैं ही हूँ, मेरे रास्ते में आ रहा था ये। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इसको ठीक कर दो, मुझसे ये ऐसे देखा नहीं जा रहा है, ये जिंदा भी है या नहीं मुझे जल्दी से बता दो। अभी के लिए तो जिंदा है, पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो शायद ना भी रहे। अरे पर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। देखो तुम क्या चाहते हो, जैसी इसकी हालत हुई है वैसे तुम्हारी भी हो जाए। अरे फ्रैंकलिन भैया ये जैसा बोल रहा है वैसा कर लो ना। ये बच्चा समझदार लगता है, अगर तुम्हें अपने दोस्त की जान बचानी है तो मेरी बात मान लो। अच्छा ठीक है बोलो मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो मुझे मेरे हीरे चाहिए जो कि मैंने चुराए थे, पर इसने मुझसे छीन के उन्हें वापस बैंक को लौटा दिया है, और अब बैंक ने वहाँ पर बहुत ज्यादा कड़ी निगरानी रखवाई है। अच्छा ठीक है मैं ये कर दूंगा, पर मेरे पास इतनी पावर नहीं है। चिंता मत करो, मैं अपने सिम्बियोट की मदद से तुम्हारे लिए नया सूट बनवा दूंगा, जिससे तुम्हें पावर भी मिलेगी। अच्छा ठीक है, पता नहीं गाइस कौन सा सूट मिलेगा। वो अबे यार ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, इसकी मदद से तुम्हारा काम हो जाएगा ना? इससे एक काम तो हो जाएगा, पर तुम्हें इसे अपग्रेड करना होगा, इस इविल मीटर को ऊपर लेकर जाना होगा। चलो अब मैं चलता हूँ, अपने दोस्त को अलविदा कह दो। अबे नहीं यार, ये तो वेनम को भी अपने साथ ले गया। शिनशान चॉप मेरी बात
सुनो, मुझे अभी के अभी निकलना होगा, तुम लोग घर पर चले जाना। चलो गाइस लोकेशन पर चलते हैं। चलो फाइनली बैंक के पास तो पहुंच ही गए। ओ भाई साहब जरा वहां तो देखो, यहां तो सच्ची में कड़ी निगरानी है, चारों बाजू बस पुलिस ही पुलिस दिख रही है, आगे पुलिस, गेट पर गार्ड, यहां पर भी पुलिस। अभी हम लोग अंदर कैसे जाएंगे कुछ सोचना पड़ेगा। एक मिनट, वहां पर देखो गाइस एक लेडी पुलिस अकेले खड़ी है। मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया है, हमें उसकी बॉडी पर कंट्रोल करना होगा, और वैसे भी मैं वेनम हूँ तो ये काम तो आसानी से कर लूंगा, पर सबसे पहले उसके पास पहुंचू तो सही। चलो 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 जल्दी से, और बूम जल्दी से लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं। माफ कर देना पर ये मेरे लिए जरूरी है। बचाओ, कोई तो बचाओ। चलो गाइस हो गया काम, अब इसकी पूरी बॉडी मेरे कंट्रोल में, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है, पर बैंक के अंदर जाने की ट्राई करते हैं। साइड हो जाओ, मेरे रास्ते से हटो। चलो गाइस गेट सामने ही है। हे एक मिनट, कहाँ जा रही हो? अरे मुझे अंदर जाना है। तुम्हें पता नहीं है अंदर जाना मना है, चुपचाप बाहर खड़ी रहो। अरे नहीं, मुझे ऊपर से ऑर्डर आया था कि अंदर जाके सब कुछ चेक करो, बराबर तो है ना? अच्छा ऐसी बात है, फिर तुम जा सकती हो, मुझे माफ कर देना, फालतू ही मेरा टाइम वेस्ट किया। चलो मैं अंदर जा रही हूँ फटाफट। हाश गाइस बच गए, हमें बस वो हीरे ढूंढने, पता नहीं कहाँ पर रखे होंगे। ओह यहाँ पर भी गार्ड है, तो पक्का हीरे इसी साइड होंगे। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? अरे वो मुझे अंदर जाना है। अंदर तो चली जाना, पर पहले अपने हथियार बाहर रख दो। ओह चलो बच गए, मुझे तो लगा था इसने हमें पकड़ लिया है। फटाफट से अपनी गन को यहाँ रख देते हैं, और ये लो हो गया, अब तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलो गाइस अब अंदर चलते हैं फटाफट, यहाँ से नीचे होते हुए। अब नहीं यार, यहाँ पर भी एक है। मुझे अंदर जाना है। नहीं तुम अंदर नहीं जा सकती, यहाँ किसी का भी जाना मना है। अरे पर मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, एक बार अंदर जाके सब कुछ चेक करना है। ऐसा तुमसे किसने कहा है? मेरी बात कराओ उससे, बिना बात किए मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा। अबे यार ये तो अड़ियल लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बात तो करा दूंगी। अरे एक बात बताओ, ड्यूटी के बाद क्या कर रहे हो? हम लोग डिनर पर चले। हाँ ड्यूटी के बाद मैं फ्री हूँ, बोलो कहाँ जाना है? अभी बताता हूँ तुझे, ठरकी नहीं तो ये ले। लड़कियाँ गाइस किसी का भी ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। चलो इसे तो ठिकाने लगा दिया है, पर एक और बड़ी प्रॉब्लम है, ये तिजोरी। अब इसको कैसे खोलूं मैं? मुझे इसके कोई कोड वोड नहीं पता। एक मिनट, हम लोग सीधे नहीं जा सकते, पर नीचे से जा सकते हैं अपने लिक्विड फॉर्म में। चलो वेनम होने का कोई तो फायदा होगा, फटाफट से चलते हैं अंदर। और ये गाइस मैं पहुंच चुका हूँ, मुझे लगता है हमारी मंजिल आने ही वाली है। इतने आसानी से कर लिया ये काम मैंने। ओहो जरा यहाँ नजर डालो, ये रहे वो हीरे। अब जल्दी से इन्हें उठा लेते हैं, और बूम। अबे नहीं, यहाँ तो अलार्म बजने लगी, ये कौन सा सिस्टम फिट किया था? भागो 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 भागो, इससे पहले कि वो लोग आ जाए नीचे। देखो हम लोग उस रास्ते से तो जा नहीं सकते, ये दरवाजा कहाँ पर जाता है? चलो अंदर से सब खुले हुए, खाली बाहर से लॉक है। अबे ये कहाँ निकल गया मैं, यहाँ तो कोई भी नहीं। ओ हम लोग बाजू वाले दरवाजे से निकले। चलो भागो भागो, इससे पहले वो लोग मुझे देख ले, मुझे अपना रूप चेंज करना होगा। और ये जरा देखो तो सही, अपना इविल मीटर बढ़ चुका है, और मुझे कुछ महसूस हो रहा है, बहुत ही अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। ओहो जरा देखो तो सही, मुझे ये तो कार्नेज और वेनम का मिक्स लग रहा है। अब ये सायरन की आवाज, ओ नहीं, लगता है पुलिस वालों को पता चल चुका है कि मैंने हीरे चुराए, ये लोग तो मुझ पर ही गन तान रहे। भागो 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 यार, क्या मुसीबत है, मुझे तो लगा था मैं बच गया हूँ। भाग जाओ, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे गाइस, एक तो इन हेलीकॉप्टर्स की मैं, तो ये लो एक ही बार में पूरा हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। इस सूट में तो कमाल की पावर है। अब इस गाड़ी की बारी, और ये शेर का तो नहीं वेनम का पंजा, तब से गोली मार मार के परेशान कर रहे हो। बाय वन गेट वन फ्री। ओहो ओहो रुक जाओ चचा, ये लो घपचिक 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 घपचिक, और निकलो यहाँ से, बाय बाय। क्यों धूप में अपना टकला चमका रहे हो, जाओ यहाँ से। थोड़े से रह गए, नहीं तो सीधा छत पर पहुंच जाते। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, और ये लो सीधा लात मुंह पे पड़ी है। अरे यार जब बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं होने वाला मुझे, ये लो और ये खाओ, और बूम। चिक ढापचिक गाइस, क्या मार रहे हैं हम लोग इनको, और ये भी गया, पूरी गाड़ी हिल गई। लगता है थोड़ी बहुत पावर और बतानी पड़ेगी। और ये छोटे छोटे स्पाइक तो देखो चारों बाजू जा रहे, जितने आसपास होंगे सब निपट जाएंगे। ये लो देखो, अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने को, क्योंकि ये लोग तो आते रहेंगे। अरे यार उतरना गाड़ी से, बोल रहा हूँ लेट हो रहा है, मैं तो चला यहाँ से। अबे छोड़ दो ना यार पीछा, मजबूर हूँ मैं, और ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। ओहो ओहो ओहो, धीरे धीरे करके इनकी गाड़ियाँ तो बढ़ते जा रही है, आड़ा टेढ़ा चलाता हूँ, कुछ ना कुछ करके तो इनसे पीछा छुड़ाना ही होगा। अबे यार छोड़ दो, जाने दो, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। और
वैसे भी कौन से तुम्हारे हीरे थे तो किसी और के ना। सबसे पहले तो चॉपर से दूर भागना होगा गाइस, ये ऐसी कड़ी निगरानी लगा के बैठा ना अपने पे। हाँ चलो, जैसे तैसे करके चॉपर से पीछा छुड़ाया, पर ये गाड़ी अभी भी बाकी है। अभी रुको, इसका पचका करता हूँ। और ये गाइस बहुत बुरी तरीके से टकराई वो गाड़ी। फिलहाल आसपास कोई नहीं है, और जरा सामने देखो, ये जगह एकदम परफेक्ट रहेगी छुपने के लिए। जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता हम लोग यहीं पर किसी कोने में दुबक के बैठ जाएंगे। चलो बाइक को यहीं रुकाता हूँ, जल्दी से उतरते हैं, इस ट्रेन की बोगी में चढ़ जाता हूँ। चलो 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 चलो। अब बस गाइस यहाँ पर कुछ देर का इंतजार करना है, उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे पुलिस वाले चले जाएंगे यहाँ से, हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो गाइस मामला ठंडा हो चुका है और मेरा इविल मीटर भी ऊपर आ चुका है, इसका मतलब मुझे अपग्रेड मिलने वाला है। ओ एक ज़ॉम्बी वेनम। भाई साहब मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ से नॉर्थ यंगटन जाना होगा। वहाँ पर एक मुर्दा घर है जहाँ से तुम्हें ज़ॉम्बी सिम्बियोट्स को जगाना होगा, फिर उन्हें मिलिट्री बेस ले जाकर पूरे मिलिट्री बेस को बर्बाद करना होगा। अच्छा ठीक है यार, चलो गाइस चलते हैं। ऐसे चल के जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरे फॉर्म में जाते हैं और बूम, इससे मेरी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोग कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाएंगे, बस वहां पर ठंडी होगी। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पर। और ये अब ये कौन है जो रास्ता रोक के खड़ा है? कहा जा रहे हो बरखुदार, यह आना मना है। आना मना हो या नहीं, मैं तो अंदर जाके रहूंगा। और एक बात बताओ, तुम कौन होते हो मेरा रास्ता रोकने वाले? मैं इस जगह की सुरक्षा करता हूँ, कोई मेरी इजाजत के बिना यह अंदर नहीं जा सकता। हाँ तो दो ना इजाजत, मुझे अंदर जाने दो, मुझे काम है। मेरा जवाब सुनना चाहोगी तो मेरे दांतों पर पढ़ लो। क्या लिखा है तुम्हारे दांतों पर? अबे नहीं, आउच भाई साहब। गाइस इसने हमें गाली दी है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। दी नहीं बताइए, एक बार उठने दे फिर बताता हूँ तुझे। ओ अबे यार, अबे पीले दांत रुक जा तेरी तो, मैं ये ले, कब से बोल रहा हूँ रुक रुक पर मानता नहीं है। अब तो तू गया, ये ले। ओ ओ ओ आउच, फिसल गए गाइस, यहाँ बर्फ बहुत ज्यादा है। बहुत हो गया, ये ले। हाँ नहीं तो कब से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो लगा हुआ है। आजा बेटे अभी बताता हूँ। ओ, 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 पहले इसने बता दिया पर कोई बात नहीं, ये ले घुमा के ला। उठना, क्या हुआ? अब ये ले, फिर से मारा। ओ, ओ, एक बार फिर से मार दिया। कोई बात नहीं, कभी कभी चूक जाता हूँ मैं, पर इस बार नहीं। ये ले बेटे, ये खा और ये ले, थोड़ा घुमाया जाए गाइस इसको। आजा बेटा, घूमर करवाता हूँ तेरे को मैं। बता कहाँ छोड़ू तुझे? मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, ले उतर जा। अब गाइस जरा इसकी वाट लगाई जाए, कहाँ गया, नीचे ही तो था यार। ये रहा। अबे नहीं यार, देखते देखते ही मार दिया इसने तो। कोई नहीं, जरा हवा में उठाते इसको। क्या हुआ? हाँ उठ तो, जोर से काटता हूँ, वैसे मुझे बहुत मजा आता है ये सब करने में। और जा यहाँ से, अब तो तू गया। फिर उठ गया भाई साहब, मानना पड़ेगा, दम तो है इसमें, पर इस बार नहीं। और उसी के साथ गाइस मुझे लगता है कि इसका खेल खत्म। अब मुझे उस गेट के अंदर जाना है, तो जल्दी जल्दी भाग के चलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि देर हो जाए। तो गाइस मैं अंदर तो पहुंच चुका हूँ, अब मुझे यहाँ से सारे मुर्दों को जगाना है। यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी सिम्बियोट्स है, तो चलो अपना काम जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले हवा में उड़ते हैं, अब होगी शुरुआत। देखो सुप्रीम सिम्बियोट, मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत होगी। शैतान मेरी बात सुन, जो सोए है उनको जगा दे, खोल दे नर के दरवाजे। पता नहीं गाइस ये काम करेगा या नहीं। अब लगाते अपना पूरा जोर, जितना हो सके उतना ज्यादा। गाइस यार आप लोग जल्दी से लाइक कर दो ताकि ये काम मेरा पूरा हो जाए। और ये जाग जाओ गाइस, यहाँ से तो बहुत सारे ज़ॉम्बी सिम्बियोट्स निकले और ये काफी अजीब और डरावने से दिख रहे हैं। ये मुझे देख रहे तो ऐसा लग रहा है मुझे ही खा जाएंगे। चलो बच्चों आ जाओ मेरे पीछे पीछे, हमें अभी कहीं पर पहुंचना है। अबे कैसे चल रही है, कुछ पी भी रखा है क्या? पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करते है, या फिर शायद ये इनकी ज़ॉम्बी चाल होगी। ऐसे तो गाइस बहुत टाइम लग जाएगा इनको मिलिट्री बेस ले जाते हुए। चलो यार थोड़ा सा फास्ट चल लो, अलग अलग ग्रुप बनाकर चल रहे हो, पता नहीं कितने पीछे छूट गए। बस गाइस एक बार वहां पर पहुंच जाओ। तो फाइनली मैंने इनको लाके मिलिट्री बेस छोड़ दिया है, और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर तबाही शुरू हो चुकी है। कितने लोगों को तो ये लोग पहले मार चुके हैं और ज़ॉम्बी बना चुके हैं। टैंक वैंक फोड़े जा रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रहे ये सब लोग। चारों बाजू बस यही ये है, सोल्जर्स तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। इनकी तादाद इतनी ज्यादा है ना कि एक एक सोल्जर के सामने 10-10 ज़ॉम्बी आ जाते हैं, पर फिर भी ये लोग अपनी पूरी ट्राई कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा गाइस। चलो यहाँ तो बहुत तबाही मच चुकी है, और उसी के साथ अपना इविल मीटर बढ़ चुका है। तो बारी है यहाँ से निकलने की, इससे पहले कि ये बात अपने पर आ जाए। तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब यहाँ से निकलो, आगे का काम मैं तुम्हें अपने आप बता दूंगा। हाँ यहाँ से जा ही रहा था मैं, मुझे रुकने का कोई शौक भी नहीं है। चलो गाइस चलते हैं यहाँ से, एक जंप में बाहर निकल जाएंगे। और ये हम लोग पहुँच गए,
चलो यही पर अपग्रेड हो जाते हैं। वैसे तो मेरे हाथ में है नहीं, ये अपने आप होने ही वाला था। ओ अबे यार ये तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। देखो गाइस इतने से भी काम नहीं बनेगा, ये एक डार्क वेनम का सूट है, तो हमें और भी बुरे काम करने होंगे ताकि हम इस सूट को अपग्रेड कर सके। फिलहाल तो यहाँ से निकलते हैं। एक मिनट, यहाँ किसी की बाइक पड़ी है, जल्दी से जाके उठा लेते हैं। देखो मुझे नहीं पता ये किसकी है, पर जाके नई खरीद लेना। भाई साहब जरा वहाँ तो देखो, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? जल्दी से रोकते हैं, ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई सेलिब्रिटी आया हो। अबे नहीं यार, ये तो पीस मेकर है, पर ये यहाँ पर कर क्या रहा है? और मुझे समझ नहीं आ रहा इसने ऐसा क्या कर लिया जो लोग इतने पागल हो रहे। नहीं गाइज, हम लोग गलत समझ रहे थे, लोग तो इसकी गाड़ी को देख के पागल हो रहे। अगर मैं इसे चुरा लूं तो ये भी एक बुरा काम ही होगा। चलो जाते हैं आराम आराम से, अब बैठते हैं अंदर, चालू हो जा रहे। अब होते हैं यहाँ से रफा दफा। ओ तेरी की, ये झटका कैसा था? अबे नहीं यार, मैं ही बेवकूफ हूँ, उनके सामने से लेके गया और सोच रहा हूँ इनको पता नहीं चलेगा। ये तो धड़ाधड़ मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। देखो मैं नहीं चाहता कि अपनी गाड़ी बर्बाद हो, इसको यही कहीं साइड में लगा देते हैं। अबे पागल है क्या, तेरी गाड़ी है, मार क्यों रहा है? अबे रुक जा। नहीं 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 नहीं, इसकी तो मैं अभी से नहीं छोड़ूंगा, एक बार उठने दे। आ गया, ये रहा तेरी, तो ये ले, हेलमेट ही तोड़ता हूँ इसका मैं। हाँ नहीं तो कब से बोल रहा हूँ कि बात कर ले, क्या पता मैं गाड़ी वापस लौटा देता, पर अब तो नहीं लौटाऊंगा। रुक जा रहा हूँ, ये ले। भाई साहब ओ, हम लोग लेजर भी छोड़ सकते हैं। भाई रुक, आ रहा हूँ मैं। अबे नहीं यार, ताउच। ओ भाई नहीं नहीं नहीं, आ गया, ये रहा। आजा बेटा, अब मुझे हाथ लगा के दिखा, तेरी सारी हड्डियां नहीं तोड़ दी ना तो मैं भी डार्क वेनम नहीं। अब ये ले घुमा के। देखो गिरा तो इसी साइड था, कहां गया? पूरा भाग रहा है। अबे नहीं, ये तो यहीं पर आ रहा है। कोई बात नहीं गाइस, इसको अपनी पावर का नमूना दिखाते हैं। जा 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 जा, और ये ले, क्या घसीट के गया है। अबे नहीं फिर से तेरी, तो मैं ये ले बार बार रोक फेंकता है। अब यहां पर आ, इसका किस्सा ही खत्म करते गाइस, आंखें जला दूंगा मैं इसकी। और इसी के साथ इसकी उंगली बच गई है, दिल में तारे दिख गए। ओ हमारा इविल मीटर बढ़ चुका है, मुझे लगता है अपग्रेड आने वाला है। ओ तीन तीन मुंह वाला वेनम, ये तो किंग वेनम लग रहा है। फिलहाल ये सब छोड़ो, हमें उस गाड़ी को लेके जाके बेचना भी है, तो एक और बुरा काम पूरा हो जाएगा। जल्दी से जाके बैठते हैं अंदर। अब यहाँ से सीधा मैं साइमन के पास जाऊंगा, कहीं पर भी नहीं रुकूंगा। तो गाइस साइमन की डीलरशिप आने ही वाली है। चलो फाइनली पहुंच गए, काश के साइमन यहीं पर हो। बुरा साइमन, जल्दी से गाड़ी को रुकाते गाइस। ये देख साइमन, मैं तेरे लिए क्या तगड़ी चीज लाया हूँ। अरे ऐसा भी क्या लेके आ गए हो जो इतना उछल रहे हो? मेरे पीछे देख रहा है वो बल्कि कार, कितनी खतरनाक है। हाँ वैसे है तो खतरनाक, देखो मैं तुम्हें इसका $1,000,000 दूंगा। अरे चलेगा, तो कितना भी दे, फिलहाल तो पैसों से मतलब भी नहीं है। तो गाइस हमारा ईविल मीटर और ज्यादा बढ़ चुका है, अब देखते कौन सा अपग्रेड मिलता है। और ये बूम, ये तो वेनम ग्रूट है ना। मेरी बात सुनो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे काम है। चलो गाइस बुलावा आ चुका है उस सुप्रीम सिम्बियोट का, मुझे लगता है हमने उसके सारे काम कर दिए, अब हम लोग वेनम को छुड़ा पाएंगे, मतलब के एडी को, वो पूरी तरीके से वेनम बना भी नहीं था। फाइनली लोकेशन पर पहुंच गए, पूरा वो ओ भाई साहब, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया, पर कोई बात नहीं। एडी कहाँ पर है? पूरा चलो अभी तक सही सलामत लग रहा है। देखो मैंने तुम्हारे सारे काम कर दिए, अब उसे छोड़ दो और मुझे जाने दो। ऐसे कैसे, तुमने ये जो सिम्बियोट अपग्रेड किया है तुम ये मुझे दोगे, फिर एडी के पास जो सिम्बियोट है वेनम का, मैं इन दोनों को मिलाऊंगा और महाशक्तिशाली बन जाऊंगा। अरे अगर तुम ऐसा करोगे तो वो तो पूरी तरीके से मर जाएगा। हाँ तो मुझे उसे जिंदा रखना भी नहीं है, अब लाओ मेरा सिम्बियोट वापस करो। देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, ये तुम गलत कर रहे हो। एडी को जाने दो, हमारे बीच डील हुई थी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं डील तोड़ता हूँ और उसी के साथ तुम्हें भी तोड़ दूंगा, जाओ यहाँ से। यार ये गलत है, देख मैं पहले बता रहा हूँ, चीटिंग मत कर। ओ भाई साहब, अबे नहीं यार, ओ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। गाइस यार ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा, आज नहीं तो कल तुम्हारी हार होगी। फिलहाल अपनी बात करो, सिम्बियोट तो मैं लेकर रहूंगा तुम्हारे जीते जी या मरने के बाद। गाइस यार मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, मुझे नहीं लगता मैं इससे लड़ पाऊंगा, शायद इस बार हम लोग हार जाएंगे। एडी उठो, फ्रैंकलिन को हमारी जरूरत है। एडी मुझे लगता है ये अभी तक बेहोशी है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, जल्दी से जाता हूँ फ्रैंकलिन के पास, रुको मैं आ रहा हूँ दोस्त। एक मिनट गाइस, ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है बॉडी में कोई चीज घुस गई है। ओ भाई साहब, हम तो साइज में बड़े हो गए। अब तेरा क्या होगा कालिए, मुझे तो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर फील हो रहा है। यहाँ पर आ, तो गाइस अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते और करते हैं इसका खात्मा।
फाइनली गया वो। अबे नहीं, मुझे एडी को भी बचाना है। जल्दी 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 फटाफट से जाते हैं गाइस। देखो ये रहा एडी। अब वेनम के सिम्बियोट के साथ जो हमारे पास सिम्बियोट है वो भी इसको दे देते हैं ताकि इसमें ताकत आए और ये फिर से उठ जाए। तो 1 2 3 और ये वो गाइस, एडी वेनम बन चुका है। हमारी पावर भी इसके काम आई। तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता। मुझे पता था ये काम तुम ही कर सकते हो। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। चलो यार गाइस, आज का दिन बहुत ज्यादा थकावट भरा रहा।